नमस्ते बच्चों, तो चलते हैं आज हम लेक्चर नंबर 17 जो कि यूनिट 2 का है, जिसका टॉपिक है इंस्ट्रक्शन एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस का फ्लो कैसे होता है। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन करने के लिए कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं और इंस्ट्रक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। साथ में हम एड्रेसिंग मोड्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, मैं नॉर्मली अगर आपसे पूछूं कि जैसे लाइक आपके पापा आपको इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि बेटा ये काम कर दे, तो मींस दे आर गिविंग ए कमांड, राइट। पेरेंट्स आपको कमांड देते हैं, कभी कभी टीचर आपको कोई असाइनमेंट देता है या कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी एक कमांड ही है। तो एक इंस्ट्रक्शन यही नहीं है कि केवल एक मशीन के लिए बोला जाता है कि इंस्ट्रक्शन इज ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जस्ट लाइक रूल और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शन आर्मी का कमांडर अपनी आर्मी को देता है, राइट, आर्मी के जवानों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक कमांड है नॉर्मली, जो ये बताता है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ काम करना है, दैट इज ए कमांड। तो वो ह्यूमन को दिया जा सकता है, किसी मशीन को दिया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को दिया जा सकता है। अब मेन बात आती है, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ये किसी लैंग्वेज में दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दे रहा हूं तो एक हिंदी लैंग्वेज में दे रहा हूं, और उस लैंग्वेज के विच फॉलो सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मैम लो, मैंने आपको बोला असाइनमेंट करके दिखाओ, तो इसका एक रूल बना हुआ है, सेंटेंस को मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है, ऐसा नहीं बोला मैंने दिखाओ करके असाइनमेंट, ऐसे नहीं बोला या करके असाइनमेंट दिखाओ। इस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज को तोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने बोला खाना खा के आ जाओ, ठीक है, तो जाओ आप खा के खाना, ऐसे नहीं बोलूंगा, खाना खा के आ जाओ एक फॉर्मेट है। तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा उस लैंग्वेज का, और सामने वाला जो टारगेट है जिसके लिए कमांड दिया गया है वो उसको इंटरप्रेट करता है। अब इंटरप्रेट की बात करते हैं, जैसे आप एक छोटे बच्चे को बोलो खाना खा ले, छोटे बच्चे को, एक साल के बच्चे को, आई थिंक वो इंटरप्रेट नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि उसको अभी उसने उस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग सीखी ही नहीं है। अगर जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो उसको डिकोड करना आता है तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है, और इंटरप्रेट करने के बाद में आप ये पहचान लेते हो मेरे को करना क्या है, तो वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा गिवन डेटा। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे आप ह्यूमन को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आप मशीन को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, और आजकल आईओटी का जमाना है तो ऑब्जेक्ट को भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, राइट है, क्योंकि इंटरनेट पे आजकल थिंग्स भी आ गई है। अब इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं नॉर्मली, वो हमारे किसके लिए लिखे जाते हैं नॉर्मली, हमने यहाँ पर प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए बात कर रहे हैं। प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन के लिए तीन लैंग्वेज डिफाइन की गई है कैटेगरी की, एक मशीन लैंग्वेज जो कि जीरो और वन की सीरीज में होती है, एक असेंबली लैंग्वेज जो कि नेमोनिक्स के फॉर्म में होती है, और एक हाई लेवल लैंग्वेज जो कि सी, सी प्लस प्लस, आजकल पाइथन भी यूज हो रही है। नॉर्मली हम देखते हैं रास्पबेरी पाई में पाइथन ही यूज कर रहे हैं जो कि हमारा है। तो मशीन लैंग्वेज जीरो और वन के सीरीज में होती है, पर यूजर उसको यूज नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि जीरो और वन के सीरीज में अगर अपन ऑपकोड याद करें तो बहुत ज्यादा ऑपकोड्स हो जाते हैं, और याद करना बहुत टेडियस टास्क है, प्लस उसको लिखना बहुत टेडियस टास्क है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था मशीन लैंग्वेज के क्या डिसएडवांटेज थे। तो थोड़ा असेंबली लैंग्वेज की तरफ बढ़े हम, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, पर असेंबली लैंग्वेज में एक फायदा था कि इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा मीनिंगफुल बना दिया गया, इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, मीनिंगफुल बना दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो किसकी फॉर्म में लिखे होते हैं, हमारे नेमोनिक्स के फॉर्म में लिखे रहते हैं, किसकी फॉर्म में लिखे रहते हैं, नेमोनिक्स की फॉर्म में लिखे रहते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस। अब नेमोनिक्स क्या होते हैं, नेमोनिक्स का मतलब है ऑपकोड और ऑपरेंड, ऑपकोड और ऑपरेंड की फॉर्म में हमारा नेमोनिक्स होता है। जो ऑपकोड होता है वो एक अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, और जो ऑपरेंड होता है वो एक नंबर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑपकोड आपका ये बताता है कि हमको करना क्या है, राइट, जो कि अल्फाबेट में लिखा गया है, और ऑपरेंड आपका जो है वो सोर्स ऑफ डेटा बताता है, सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है, कि आपका जो ऑपरेशन होगा वो जिस डेटा पे होगा उसका सोर्स क्या है। क्लियर हो गई बात, यानी हुई। अब अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को बात करें और उस इंस्ट्रक्शन से हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो डेफिनेटली बात है वो प्रोग्राम होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो यूजर कैसे काम करता है, तो यूजर क्या करता है,
कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखता है उसको बाइनरी फॉर्मेट या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मेमोरी के अंदर डालता है मशीन के लिए। अगर हम बात करते हैं मशीन की, तो मशीन के लिए अगर इंस्ट्रक्शन लिखे जा रहे हो तो आप उसको एडिटर में लिख रहे हो मेमोनिक्स फॉर्म में, तब मेमोरी में वो केवल एक हेक्साडेसिमल नंबर या बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होगा। क्लियर? देन माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, उस इंस्ट्रक्शन को पहले वो रीड करेगा, ठीक है, फिर उसको जो डेटा उससे नीडेड है उस ऑपरेशन को करने के लिए वो उसको उठाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको या तो वो मेमोरी में डालेगा या किसी आउटपुट डिवाइस को देगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम थ्री साइकिल इंस्ट्रक्शन मॉडल कहते हैं, थ्री साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर कोई प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो लाइन बाय लाइन होता है सारा काम। सबसे पहले माइक्रोप्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को रीड करता है मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शन सेव किया है, प्रोसेसर के पास में मेमोरी है ही नहीं, आपको मेमोरी में ही प्रोग्राम डालना पड़ेगा और हेक्साडेसिमल नंबर में डालोगे आप। क्लियर हो गई? फिर माइक्रोप्रोसेसर जब उसको रीड कर लेता है तो उसको डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? जैसे मान लो आप ये समझो, आपने माइक्रोप्रोसेसर को एक सवाल दिया है, वो उस सवाल को समझ रहा है पढ़ के और फिर उसको उत्तर दे रहा है, तो आंसर देना दैट इज एग्जीक्यूशन, समझना दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, और उसने उस सवाल को पढ़ा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन रीडिंग। क्लियर हो गया? तो मतलब माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले क्या करता है, फेच द इंस्ट्रक्शन, मतलब उसने सवाल को पढ़ लिया है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, उसने सवाल को समझा है, और देन एग्जीक्यूट इट, उसने सवाल का आंसर दे दिया है। ये तीन काम एक इंस्ट्रक्शन के साथ माइक्रोप्रोसेसर करता है, ठीक है, और ये सीक्वेंस तब तक चलता रहेगा जब तक प्रोग्राम में सारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म्ड नहीं कर दे और हॉल्ट की स्थिति नहीं आ जाए। चलते हैं। अब बात करिए मैंने इंस्ट्रक्शंस की, तो एक इंस्ट्रक्शन के टाइप भी होते होंगे। अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस के टाइप हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, कुछ क्राइटेरिया बना रखे हमने। अब अकॉर्डिंग टू साइज का मतलब है कि आप जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, डेफिनेटली बात है मेमोरी में स्टोर करोगे, तो वो कितने मेमोरी एड्रेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब उस इंस्ट्रक्शन की लेंथ क्या है, हम दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड मेमोरी में कितना है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन दोनों से मिलकर बना है, पर ये ध्यान रखिएगा ऑपरेंड ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं हो ऑपकोड नेसेसरी पार्ट है, ऑपरेंड ऑप्शनल पार्ट है, कुछ इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड एब्सेंट होता है, वो आगे हम देखेंगे। तो डेफिनेटली बात है ऑपकोड अगर नेसेसरी पार्ट है तो ऑपकोड तो एक बाइट का होता है, इसलिए किसी भी इंस्ट्रक्शन का मिनिमम साइज क्या होगा, एक बाइट। अब आते हैं मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज में ऑपरेंड पे डिपेंड करता है, ऑपकोड तो एक बाइट ले ही रहा है, अगर ऑपरेंड दो बाइट का है तो टोटल बाइट हो गई तीन, और दो बाइट का मतलब 16 बिट का ऑपरेंड है, तो आपका जो टोटल है वो इंस्ट्रक्शन का साइज होगा वो तीन बाइट होगा। कैसे वो मैं आगे बताऊंगा कैसे इंस्ट्रक्शन के साइज होते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइज में हम इंस्ट्रक्शन का देखते हैं, वन बाइट का इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर इंस्ट्रक्शन के अंदर केवल ऑपकोड है, केवल ऑपकोड ऑपरेंड एब्सेंट है, तो ऑपकोड एक बाइट लेता है तो वो कहलाता है हमारा वन बाइट इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखिए आप मेरे वर्ड के फॉर्मेट में देखिए या पेंट पे देखिए, ये देखिए आप, सपोज करो आपका एक इंस्ट्रक्शन है एसटीसी और इसको अपन ने सेव करा मेमोरी में 2000H पे, सपोज करो इसका ऑपकोड मैं यहां पे लिख के देख लेता हूं क्या है इसका ऑपकोड, यहां पे मैंने लिखा एसटीसी, ठीक है, और एसटीसी को मैंने असेंबल करा तो मैंने कोड यहां पे देखा कितना आया मेरा कोड 37, मतलब 2000H पे 37 स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर में। अब ये इंस्ट्रक्शन है इसका कोई ऑपरेंड है नहीं, तो इसमें एक एड्रेस घेरा है, एक एड्रेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वन बाइट का इंस्ट्रक्शन। आप एड्रेस को देखिए, अगर हम मेमोरी बनाऊ मैं, अगर एक मेमोरी बनाता हूं मैं, तो ये आप मेमोरी लीजिए, ये एक मेमोरी है मेरी जिसमें मैंने ये एड्रेस लगा रखे हैं, सपोज करो ये 2000H का एड्रेस है, इससे अगला एड्रेस जो है वो 2001 का होगा,
इससे अगला एड्रेस 2002 का होगा, तो यहां पर 37 स्टोर हो जाएगा, तो एक बाइट इसने ले लिया। क्लियर हो गई बात? ये हुई तो दैट इज कॉल्ड वन बाइट। और भी इंस्ट्रक्शन है, मूव ए कोमा बी, एड सी, आर एल सी, रार, एस टी सी, जिसमें हमें केवल जो अल्फाबेट की फॉर्म में होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन केवल अल्फाबेट की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इसको वन बाइट का कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा बस आपको, क्योंकि ऑपरेंड हर टाइम नंबर की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑपरेंड यहां पे बताया जाता है नॉर्मली नंबर की फॉर्म में। क्लियर है? यहां पे नंबर की फॉर्म में बताया जाता है, पर यहां पे जो भी आपका लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन अगर वो सिर्फ अल्फाबेट की फॉर्म में है तो दैट इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन। ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल हैं, एस टी सी, एच सी एच जी, मूव ए कोमा बी, मूव ए कोमा सी, एड सी, सब बी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, पर वो अल्फाबेट की फॉर्म में होंगे तो वो एक बाइट का इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। ऑल द इंस्ट्रक्शन आपको लिख के भी बता देता हूं ये बात, कि ऑल द इंस्ट्रक्शन विच आर ऑल द All the instructions which are only in alphabetically form, alphabetical form, alphabetical form मतलब only opcode हो जिसके अंदर normally हमारा वो क्या कहलाता है, है one byte वन बाइट साइज। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल मूव ए कॉमा बी पूरा अल्फाबेटिकली है, एस टी सी, एच सी एच जी, एड बी, और बी, ठीक है, और वी कैन से, और हम क्या कह सकते हैं, और बी हो गया, और क्या कह सकते हैं हम ए एन ए बी सी, और भी होते हैं ए एन ए सी एल डी ए एक्स बी, ठीक है, एस टी ए एक्स सी वो डी। ये सारे इंस्ट्रक्शन देखिए आप अल्फाबेट के फॉर्म में लिखे हैं, ये सारे वन बाइट के हैं। क्लियर हो गई बात? चलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा टू बाइट का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टू बाइट के इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे जिस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड और 8 बिट का डेटा और एड्रेस ऑक्यूपाई होता है, जिस इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड भी है और एक 8 बिट का ऑपरेंड है, वो ऑपरेंड डेटा भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, वो ऑपरेंड रजिस्टर भी हो सकता है, वो चीज अलग है आपका। यहां पर आपके इंस्ट्रक्शन में एक नंबर होगा 8 बिट का और एक अल्फाबेटिकली फॉर्म होगा, एक नंबर होगा 8 बिट का और एक अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट को हम ऑपकोड कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, और नंबर को हम क्या कहते हैं, नंबर को हम नॉर्मली ऑपरेंड कहते हैं। ये आपका ऑपरेंड है जो कि एक एड्रेस भी हो सकता है। अब आप बोलोगे एड्रेस 8 बिट का कैसे हो गया, जो पोर्ट होते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं उनका एड्रेस 8 बिट का ही होता है, ठीक है। एक नंबर भी हो सकता है 8 बिट का, एड्रेस भी हो सकता है 8 बिट का, डेटा भी हो सकता है, और उसके साथ एक ऑपकोड भी होगा जो कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये 2 बाइट का जगह घेरेगा मेमोरी के अंदर, जैसे कि MVI A20H। अब ये MVI A ऑपकोड है, 20H आपका 8 बिट का नंबर है। अगर मैं बात करूं इन 34H, तो इन यहां पे ऑपकोड है और 34H एक एड्रेस है जो पोर्ट का एड्रेस होता है, यहां 8 बिट का नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूज जो प्रोसेसर होता है वो केवल और केवल ऑपरेंड को अपने लिए डेटा मानता है, प्रोसेसर के लिए ऑपरेंड डेटा है, बाकी का उसको मतलब नहीं है, यूजर ने उसको क्या समझा। आपके लिए 34 पोर्ट एड्रेस होगा, प्रोसेसर तो उसको एक डेटा की तरह ट्रीट करेगा। तो उसने ये बोला कि MVI A मतलब एक ऑपकोड था, एक्युमुलेटर के अंदर डाल दो, ठीक है, किसको डाल दो, 20 को डाल दो, तो 20 एक ऑपरेंड है, MVI A ऑपकोड है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बात करता हूं हमारे इस वाले डायग्राम में, ये देखिए आप, कंट्रोल ए डिलीट, अब मैंने लिखा यहां पे MVI A
कॉमा 23H। अगर अब मैं इसको मेमोरी में सेव करूंगा तो 2000H पे क्या जाएगा 3E जो कि MBIA का कोड है, और 2001H पे क्या जाएगा 23 जो कि किसका कोड है हमारा, किसका ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है। तो ये दो जगह घेर गया इसलिए इसको बोलेंगे। अगर मैं बोलूं N34H, अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इनका हम कोड देख लेते हैं क्या होता है। इनका हम कोड देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप N34H, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इनका कोड है DB और B। तो आपने देखा 2000H पे क्या स्टोर होगा DB, और 2001 पे क्या स्टोर होगा, 2001H पे क्या स्टोर होगा 34। चाहे ये 34 भले ही आपके लिए एड्रेस हो, पर उसके लिए प्रोसेसर के लिए तो ये एक ऑपरेंड है, डेटा है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, चलते हैं। अब आता है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन में अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऑपकोड भी रख रहा है और उसका जो ऑपरेंड है वो नॉर्मली 16 बिट का है, 16 बिट का है, जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल 16 बिट का डेटा हो गया या 16 बिट का एड्रेस हो गया, तो टोटल जो साइज हो गया 3 बाइट का हो गया, ठीक है। टोटल जो साइज हो गया वो 3 बाइट का हो गया, जिसके अंदर आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक ऑपकोड है वो 1 बाइट ले रहा है, और जो 16 बिट का ऑपरेंड है वो नॉर्मली 2 बाइट ले रहे हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन हम देखें LDA 2000H, तो यहाँ पे LDA जो है वो एक बाइट ले गया नॉर्मली LDA, क्योंकि LDA ऑपकोड है, और ये 2000H आपका जो ऑपरेंड था, हालांकि ये एड्रेस का काम कर रहा है, पर ये प्रोसेसर ने इसको क्या माना है, डेटा ऑपरेंड। प्रोसेसर की नजर में ऑपरेंड है 16 बिट का डेटा है। हमारे लिए चाहे भले ही एड्रेस हो, यूजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपको स्टोर कराना है मेमोरी के अंदर। प्रोसेसर इसको पढ़ेगा, प्रोसेसर बाद में काम है करेगा, बाद में यूजर 2000H को एड्रेस बता रहा है, ये यूजर की है, यूजर का मकसद है। प्रोसेसर के लिए ये सारी चीजें मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो वो इनको एक डेटा मानता है जो कि किसी एड्रेस पे स्टोर हो रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा LXIH 3050, यहाँ पे 3050 16 बिट का है, ये भी एक एड्रेस की तरह मान रहे हैं, पर प्रोसेसर के लिए डेटा ही है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है जिनमें आपने 16 बिट के नंबर बता रखे हैं और एक ऑपकोड है, ये टोटल 3 बाइट लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे, ये देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल ए करा मैंने और इंस्ट्रक्शन लिखा STA 2000H, ठीक है। अब आपने STA का कोड लिखा तो 2000H पे क्या आ गया, 2000H पे आ गया 32, ठीक है। फिर 2001H पे क्या आ गया, 2001H पे आया 00, इस 2000 का 00, ठीक है। फिर 2002H पे क्या आया, 2000H पे आ गया 20, मतलब इस 2000 को आपने 2 लोकेशन पे सेव करा। अब ये 2000 चाहे भले ही तुम्हारे लिए एड्रेस हो, पर मेमोरी में जब ये स्टोर होंगे तो ये एक तरीके से ऑपरेंड कहला रहे, ठीक है। प्रोसेसर को काम जो दिया गया है वो बाद में देखेगा 2000 का करना क्या है, 2000 को वो बाद में समझेगा क्या है, पर जब मेमोरी में समझेगा तो वो इनको डेटा बस पे बिठाएगा, 00 को भी डेटा बस पे दिखाएगा, 20 को भी डेटा बस पे ही बिठाएगा। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम में प्रोसेसर इसको एड्रेस मानेगा, तब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम में प्रोसेसर इसको एड्रेस मानेगा, और बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन रीडिंग के दौरान वो इसको एक डेटा बस पे ही बिठाता है जब वो इसको फेच करता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, मैं दोबारा बता रहा हूं। इंस्ट्रक्शन रीडिंग के दौरान अगर आपने कोई 16 बिट का एड्रेस बताया भी है इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसको वो डेटा ही मानता है, उसको वो डेटा बस पे बिठाएगा। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम में वो उसको का एड्रेस कंसीडर करेगा, अगर वो आपके लिए एड्रेस था तो। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, चले आगे। ये लीजिए, तो मैंने आपको ये बताया, अगली जो है आपकी नॉर्मली, ये आपके बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दिए थे।